नमो नमः सर्वेभ्यः मित्रवर्येभ्यः। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज हम उत्तर रामचरितम के अंतर्गत तृतीय अंक में 11वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व हमने विभिन्न 10 श्लोकों को अच्छी प्रकार से व्याख्या सहित पढ़ा करके वीडियो YouTube चैनल में डाला है। तो स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल में। तो हम उत्तर रामचरितम के अंतर्गत जो तीसरा अंक है, वो अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में लगाया गया है, तो हम उसी तृतीय अंक का हम वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। तो तृतीय अंक में प्रसंग चल रहा है कि जो भगवान श्री राम हैं, वो पंचवटी में आ गए हैं। उन्होंने सीता जी के अर्थात छाया रूप में दर्शन किए और वो मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद जब उन्होंने सीता की आवाज सी सुनी, तो आवाज सुनी और जब वो मूर्छा से उतरे तो उनमें एक स्पर्श सा अनुभूत किया, एक अवर्णनीय अनिर्वचनीय एक अनुभूति सी अपने शरीर में उन्होंने अनुभूत करी कि यह किस प्रकार का मेरे हृदय में आनंद आ रहा है, किस प्रकार सा ये स्पर्श है। उसी क्रम को देखते हुए भगवान श्री राम इस श्लोक को कहते हैं, अर्थात राम जी का कथन है, इतना ध्यान रखें, अर्थात महाकवि भवभूति ने राम जी के मुख से कहलवाया है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ये वसंत तिलका छंद में है यह श्लोक, हम इसका सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं, आइए। आश्च्योतनम हरिचंदन पल्लवानां, आश्च्योतनम हरिचंदन पल्लवानां, निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोऽनुसेकः, निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोऽनुसेकः, आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम्, आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम्, संजीवनौषधिरसं नु हृदि प्रसिक्तः, संजीवनौषधिरसं नु हृदि प्रसिक्तः। इस प्रकार इसका उच्चारण होगा मित्रों। तो भगवान श्री राम क्या अर्थात क्या संदेह कर रहे हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं, कि कहते हैं कि संजीवन औषधि रसम नो हृदय प्रसिक्तः, वो कहते हैं क्या हृदय, क्या मेरे हृदय में, हृदय सप्तमी विभक्ति एक वचन का है हृदय शब्द का, तो हृदय नो संजीवन औषधि रसम प्रसिक्तः स्पर्शं कृतः, अर्थात सेचन कर दिया गया है क्या, ऐसा अनुमान लगाते हैं। कहते हैं कि हृदय माने मेरे हृदय में, प्रसिक्तः माने सेचन कर दिया गया है, नु माने निश्चित रूप से क्या सेचन कर दिया गया है, संजीवन औषधि का रस। जो संजीवनी बूटी थी, जो संजीवनी औषधि थी, वो मूर्छा को पुनः जीवित कर देने वाली थी। तो भगवान श्री राम भी उसी अनुमान से कहते हैं क्या, कि मेरे हृदय में संजीवन रूप संजीवनी बूटी रूपी औषधि रूपी उसका रस क्या मेरे हृदय में प्रसिक्त, क्या मेरे हृदय में सेचन कर लिया गया है क्या, ऐसा वो अनुमान लगाते हैं। और इसी प्रकार क्योंकि हृदय प्रसिक्त क्यों कह रहे हैं, वो कहते हैं कि आतप्त जीवित पुनः परितर्पण अयम, कहता अयम यह जो है, ये जो मेरे हृदय में प्रसिक्त हो गया है, ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं, क्योंकि बोलते हैं कि अयम यह आतप्त जीवित, आतप्त जीव मतलब आजीवन दुख के कारण जो तप्त हुआ है, दुख के कारण जो कष्ट में गया गया है, ऐसा जीवन पुनः परितर्पण, पुनः क्या हो रहा है, परितर्पित हो रहा है, अर्थात आगे मतलब आनंद को प्राप्त कर रहा है, खुशी को प्राप्त कर रहा है, ऐसा जीवन कैसा, आतप्त जीवित, आतप्त जीवन है वो, आतप्त मतलब जो दुखों से तप्त हुआ है, इस प्रकार का जीवन पुनः माने फिर से अयम
अर्थात यह जीवन अयम पुनः, पुनः माने फिर से दोबारा से, परितर्पण क्या परितर्पित होने वाला है, जो मेरे हृदय में संजीवन रूपी औषधि रस का ऐसा मैं अनुभूत कर रहा हूं जैसे कि मेरा जीवन क्या हो गया है, पुनः परितर्पण होने वाला है अर्थात पुनः सुखों को प्राप्त करने वाला है, क्या ऐसा वो अनुमान लगाते हैं। और दो अनुमानों को इन दो लाइनों के माध्यम से लगाते हैं, कहते हैं पहले तो उन्होंने कहा क्या ये संजीवनी औषधि का रस तो नहीं है, और उससे पहले उन्होंने कहा कि आश्चोतनमनु हरिचंदन पल्लवानाम, कहते हैं हरिचंदन पल्लवानाम आश्चोतनमनु, ये नु यहां पर प्रश्नवाचक के लिए है, अनुमान लगाने के लिए अर्थात निश्चय करने के लिए, कहते हैं हरिचंदन, हरिचंदन कहते हैं एक देव वृक्ष विशेष है, तो उस हरिचंदन देव वृक्ष के पल्लवों का, पल्लवों का नए नए जो कलियां हैं उन पल्लवों का आश्चोतनम, आश्चोतनम मतलब चुआना, उनका सेचन करना, जैसे हम किसी पल्लवों को निचोड़ करके उसका रस चुवा देते हैं किसी शरीर के अंग में तो उससे आनंद आता है, स्पर्श हो जाता है तो उससे हमें क्या होता है, सेक सा मिलता है, तो वो आश्चोतनम उसी को कह रहे हैं चूना, किसी चीज का चूना, तो किस चीज का चूना, हरिचंदन पल्लवों का, हरिचंदन पल्लवाना आश्चोतनम नु, कहने का भाव यही है ये जो सीता का स्पर्श हुआ है वो कहीं हरिचंदन पल्लवों का च्योतन तो नहीं है, उनका चुआना तो नहीं है, ऐसा अनुमान लगाते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि निष्पीड़ितेन्दु कर कंदल जोनु शेक, कहते हैं ये सेक तो नहीं है, सेक अर्थात किसी चीज का रस, रस तो नहीं है ये, किसका रस बोल रहे हैं, निष्पीड़ित, निष्पीड़ित निचोड़े गए किसके, इंदु के, चंद्रमा के, कर किरणों से, कंदल माने उसके अंकुरों से, ज माने उत्पन्न होने वाला, निचोड़े गए इंदु के हाथों से अंकुरों का रस तो नहीं है यह, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कहते हैं कि निचोड़े गए इंदु के किरण रूपी करों से, करों के अंकुरों से जो माने जायते उत्पन्न होने वाला नु सेक, कहीं उसका ये सेक तो नहीं है बोलते हैं, जो निचोड़े गए इंदु के अंकुरों से उत्पन्न हुआ है वह सेक तो नहीं है, ऐसा अनुमान लगाते हैं। जो पुनः जो यह सेक है या जो चोतन है वह जो मेरे जीवन को पुनः क्या कर रहा है, परितर्पण कर रहा है, और जो संजीवन रूपी, संजीवनी रूपी औषधि का रस मेरे हृदय में सेचन किया गया है जिसके द्वारा मेरा जीवन, आतप्त जीवन, दुखों से युक्त मेरा जीवन पुनः तर्पित हो रहा है, ऐसा अनुमान भगवान श्री राम देवी सीता के स्पर्श से लगाते हैं। उनका जैसे स्पर्श का वो अनुभूत अपने आंतरिक रूप से करते हैं तब तो वो ऐसा अनुमान लगाते हैं, वैसे तो मिलते तो नहीं है, तो वो छाया रूप में मिला रहे हैं, भवभूति की यह कल्पना है कि वह उत्तर रामचरितम नामक नाटक के तृतीय अंक में एक कल्पना से, एक अनिर्वचनीय रूप में वो राम और सीता को मिलाते हैं, तो ये अब यहां से मिलने की जो प्रक्रिया है प्रारंभ हो रही है, सीता के प्रथम स्पर्श से भगवान श्री राम के मुख से यह श्लोक निकला है, तो वह उनके स्पर्श से होने वाली विकृतियों को बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो आशा है आप सभी को यह इसका भावार्थ स्पष्ट हो गया है, तो इस श्लोक में बस इतना ही है, अगले श्लोक में आप सभी के सामने मैं उपस्थित होऊंगा, तो आप सभी का धन्यवाद, जय कुसंस्कृतम।